कुल्लू जिला में रिवर राफ्टिंग टेक्निकल कमेटी ने रिवर राफ्टिंग गाइड्स के फिजिकल व स्किल टेस्ट के लिए 2 दिवसीय कैंप लगाया, जिसमें रिवर राफ्टिंग ज्वाइंट इंस्पेक्शन टेक्निकल कमेटी ने 250 से अधिक रिवर राफ्टिंग गाइड्स के फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट व दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी की। ये हम दोबारा से वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार पहले भी एक बार टेस्ट ले लिए थे, लेकिन कुछ एक जो अगर किसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उसको एक और बार मौका दिया गया है इसको कंप्लीट करने का। और इसके अलावा जो है रिवर में हम जो गाइड्स हैं उनका फिजिकल टेस्ट एक बार फिर कंडक्ट कर रहे हैं। और ये टेक्निकल कमेटी की जो बैठक थी ये कल और आज 2 दिन चली है और आज भी इसकी कार्रवाई चल रही है। इसमें करीबन 250 के करीब जो जितने हैं हमारे ऑपरेटर हैं, उसके अलावा जितने इनके साथ ऑपरेटर्स के साथ जो गाइड्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी एक बार फिर कर रहे हैं हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। और ये जो है ये एज पर रूल भी है, साल में 2 बार करनी होती है, ये अप्रैल के महीने में और नवम्बर के महीने में। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी के को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू